नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। और आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा, बनाम हंसा देश पंथ के प्रमुख संत श्री सतपाल जी महाराज, पंजाबी बाग दिल्ली के विचार। श्रीमद भागवत गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में ब्रज शब्द का अर्थ है जाना होता है, परंतु सर्व अनुवादकर्ताओं ने व्रज का अर्थ आना किया है, जबकि व्रज शब्द का अर्थ जाना होता है। कृपया स्पष्ट कीजिए। ये पूरा श्लोक अध्ययन करने के बाद ही इसमें मैं स्पष्टीकरण दे पाऊंगा कि पूरा श्लोक क्या है, उसका क्या, किस कंटेक्स्ट में वो बात कही गई। तो क्योंकि कोई चीज़ आती है, जब वो जाती है तभी वो आती है, आना और जाना लगा हुआ है, तो इसके उसका अनुसंधान करने के बाद ही कुछ मैं कह पाऊंगा। सर, ये पूरा श्लोक है, सर्वे धर्मान प्रीताज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्वे पापे भामुक्षामी मासुच। इसका जो श्लोक बताया गया उसमें भगवान ये कहते हैं कि तू सब धर्मों को त्याग करके मेरी शरण आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ये भगवान ने जो ये चर्चा की और श्लोक के अंदर कहा, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। गीता का हम अध्याय करें तो मैं समझता हूँ गीता के अंदर बहुत सी बातें और भी शास्त्रों में और पुराणों के अंदर आती हैं, पर ये गीता को सर्वोपरि बना देता है। जो कहा गया गीता सुगीता कर्तव्या के मई शास्त्र विस्तरई, कि गीता जो है वो एक ऐसा, सारे जितने भी जड़ी बूटियां होती हैं उसका जो दूध है, सार है, वो गीता है। और वो इस श्लोक के अंदर अंकित होता है, जहाँ भगवान बड़ी बुलंदी के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि सारे धर्मों को त्याग करके, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को त्याग करके, जैसे हमारा ब्रह्मचारी धर्म है, ग्रस्त धर्म है, हमारा राज धर्म है, कहा ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ करके अगर तू मेरी शरण आ जाएगा तो मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इसमें बहुत से लोग ये इसका अर्थ लगाते हैं कि साहब उसमें और रिलीजन्स की बात की गई, उसमें क्रिश्चियनिटी की बात कही गई, इस्लाम की बात कही गई, बुद्धिस्ट धर्म की बात की गई, और भगवान कहते हैं सब धर्मों को छोड़ दो। मैं समझता हूँ कि भगवान के ज़माने में जब श्री कृष्ण महाराज ने श्लोक कहा होगा, उस समय बुद्धिज़्म नहीं था, उस समय मैं समझता हूँ इस्लाम नहीं था, उस समय क्रिश्चियनिटी नहीं थी, तो ये जो आज हमारे माने हुए जो धर्म हैं उन धर्मों का उल्लेख नहीं है। धर्म का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी, धर्म का मतलब है धारण करना, जैसे हमारी गृहस्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गृहस्थ धर्म हो गया, पत्नी का धर्म हो गया, पुत्र का धर्म हो गया। तो कहा सर्वोपरि, अपने आपको जानने के लिए, टू नो दाई सेल्फ, अगर तू मेरी शरण आ जाता है मैं तुझे ज्ञान दे करके सब पापों से मुक्त कर दूंगा, अर्थात जो भी नेगेटिविटी है उससे मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, भगवान ने ये कहा। तो भगवान अपने आप में पॉजिटिव शक्ति के स्रोत हैं, और जब आदमी को पॉजिटिव शक्ति मिल जाती है तो नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। और इसी का उल्लेख भगवान ने आगे भी किया कि जिसको संपूर्ण जलाशय मिल जाता है उसको छोटे जलाशयों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। अभी आपने सुने हंसा देश पंथ के प्रमुख संत श्री सतपाल जी महाराज, पंजाबी बाग दिल्ली के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा के विचार। सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय, स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुओं संतों सर्व दी नहीं, सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। श्री मद भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है कि सर्व धर्मान प्रीतज माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापे भ्यामुक्षामी मासुच। वर्ज का अर्थ जाना होता है, आना नहीं होता, और जो वर्ज माने आना, आने के लिए कहते हैं, आना करते हैं, वो पूर्ण रूप से अज्ञानी है। जैसे एक इंग्लिश वर्ड है गो, वो कहीं पर भी लिखा हो किसी भी सेंटेंस में,
उसका अर्थ कम नहीं हो सकता, आना नहीं हो सकता। इसी प्रकार ये वर्ज माने जाना है, और जितने भी पवित्र हिंदू धर्म के मार्गदर्शक और इन श्रीमद् भगवद गीता के अनुवादकर्ता, इन सभी ने अनर्थ कर रखा है। वर्ज का अर्थ आना कर रखा है कि मेरी शरण में आ जा, जबकि ये कह रहा है कि सर्व धर्मान परितज माम। गीता ज्ञानदाता कहता मेरे सतर के सभी धार्मिक क्रियाओं को मेरे में छोड़कर एकम शरणम व्रज, एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय, अहम तवा सर्व पापे भव मुक्षामी मा सुच, तब मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत करे। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और अपने विषय में करा कि मेरी शरण में रहेगा तो तूने युद्ध भी करना होगा, 8वें अध्याय के 5 और 7 में, कि मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा, जहाँ युद्ध है वहाँ शांति हो नहीं सकती। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में वर्ज का अर्थ जाना होता है, आना जिन्होंने किया वो महामूर्ख है। अब देखियो इन्होंने कैसे अर्थ किए हैं। अब हम फिर आते हैं उसी प्रसंग पर, ओम मंत्र का जाप दे देंगे इस काल को। इसने कहा है कि सर्व धर्मान प्रीतज माम, इसका अर्थ ये बनता है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का, कि मेरे सतर के ओम नाम का और ये यज्ञ तुम करते हो, हवन यज्ञ आदि, ये सब धार्मिक अनुष्ठानों की कमाई मुझको दे दे, फिर तू उस सर्वशक्तिमान, उस एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो, उसकी शरण में जा। और ये कहते मेरी शरण में आ। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि मैं आपकी शरण में हूँ, इसकी शरण में तो पहले ही था, और मेरी वो दीप काम नहीं करती, मेरे हित में जो हो आप बताओ, मैं तो आपकी शरण हूँ। और फिर इन्हों का मेरी शरण में आ जा, ये तो वर्ज माने जाना होता है। अभी दिखाते हैं आप, ये देखिएगा, एक शब्द कोश दिखाते हैं, ये है संस्कृत हिंदी कोश, इसका वामन शिवराम आपटे इसका संग्रह करता है, ये मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से प्रकाशित है। इसके 993 पृष्ठ पर आपको ले सकते हैं। यहाँ क्या लिखा, व्रज शब्द है, व्रज, व्रज माने जाना चलना, प्रगति करना, विदा होना, जाना चलना, स्पष्ट हुआ। व्रज माने जाना होता, आना नहीं हो सकता। अब गीता प्रेस गोरखपुर वाले किताब ने देख ली, व्रज माने आ जा, मेरी शरण में आ जा। अब दिखाता हूँ आपको आसाराम जी महाराज के द्वारा प्रकाशित श्रीमद् भगवद गीता, संतरी आसाराम आश्रम अहमदाबाद, ये देखिएगा, संतरी आसाराम जी आश्रम, इनका ओम ताग कोई भी उत नहीं, श्री योग वेदांत सेवा समिति, संत श्री आसाराम जी आश्रम, संत आसाराम जी बापू आश्रम मार्ग अहमदाबाद, आश्रम रोड जहांगीरपुर, ये इनका फैक्शन फॉर। अब इसमें देखिएगा, ये 18वें अध्याय का 18वां अध्याय संघ से मोक्ष संन्यास योग, 66वां श्लोक, सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार परमेश्वर की शरण में आ जा। ठीक है, अब नंबर 2 ये दिखाते हैं, सतपाल अंसादेश वालों के द्वारा अनुवाद, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में ब्रज शब्द का अर्थ है जाना होता है, परंतु सर्व अनुवादकर्ताओं ने ब्रज का अर्थ आना किया है, जबकि व्रज शब्द का अर्थ जाना होता है, कृपया स्पष्ट कीजिए। ये पूरा श्लोक अध्ययन करने के बाद ही इसमें मैं स्पष्टीकरण दे पाऊंगा कि पूरा श्लोक क्या है, उसका क्या, किस कंटेक्स्ट में वो बात कही गई। तो क्योंकि कोई चीज़ आती है, जब वो जाती है तभी वो आती है, आना और जाना लगा हुआ है, तो इसके उसका अनुसंधान करने के बाद ही कुछ मैं कह पाऊंगा। सर ये पूरा श्लोक है,
सर्वे धर्मान प्रीताज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्वे पापे भामुक्षामी मासुच। इसका जो श्लोक बताया गया उसमें भगवान ये कहते हैं कि तू सब धर्मों को त्याग करके मेरी शरण आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ये भगवान ने जो ये चर्चा की और श्लोक के अंदर कहा, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। गीता का हम अध्याय करें तो मैं समझता हूँ गीता के अंदर बहुत सी बातें और भी शास्त्रों में और पुराणों के अंदर आती हैं, पर ये गीता को सर्वोपरि बना देता है। जो कहा गया गीता सुगीता कर्तव्या के मई शास्त्र विस्तरई, कि गीता जो है वो एक ऐसा सारे जितने भी जड़ी बूटियाँ होती हैं उसका जो दूध है, सार है, वो गीता है। और वो इस श्लोक के अंदर अंकित होता है जहाँ भगवान बड़ी बुलंदी के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि सारे धर्मों को त्याग करके, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को त्याग करके, जैसे हमारा ब्रह्मचार्य धर्म है, गृहस्थ धर्म है, हमारा राजधर्म है, कहा ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ करके अगर तू मेरी शरण आ जाएगा तो मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इसमें बहुत से लोग ये इसका अर्थ लगाते हैं कि साहब उसमें और रिलीजन्स की बात की गई, उसमें क्रिश्चियनिटी की बात कही गई, इस्लाम की बात कही गई, बुद्धिस्ट धर्म की बात की गई और भगवान कहते हैं सब धर्मों को छोड़ दो। मैं समझता हूँ कि भगवान के ज़माने में जब श्री कृष्ण महाराज ने श्लोक कहा होगा उस समय बुद्धिज़्म नहीं था, उस समय मैं समझता हूँ इस्लाम नहीं था, उस समय क्रिश्चियनिटी नहीं थी। तो ये जो आज हमारे माने हुए जो धर्म हैं उन धर्मों का उल्लेख नहीं है। धर्म का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी, धर्म का मतलब है धारण करना। जैसे हमारी गृहस्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गृहस्थ धर्म हो गया, पत्नी का धर्म हो गया, पुत्र का धर्म हो गया। तो कहा सर्वोपरि अपने आप को जानने के लिए, टू नो दाई सेल्फ, अगर तू मेरी शरण आ जाता है मैं तुझे ज्ञान दे करके सब पापों से मुक्त कर दूंगा, अर्थात जो भी नेगेटिविटी है उससे मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, भगवान ने ये कहा। तो भगवान अपने आप में पॉजिटिव शक्ति के स्रोत हैं और जब आदमी को पॉजिटिव शक्ति मिल जाती है तो नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। और इसी का उल्लेख भगवान ने आगे भी किया कि जिसको संपूर्ण जलाशय मिल जाता है उसको छोटे जलाशयों से कोई प्रयोजन नहीं रहता है। ये दिखाते हैं सतपाल अंसादेश वालों के द्वारा अनुवाद, ये कहाँ से छपा है? श्रीमद् भगवद गीता। जय गुरुदेव, वंदे विष्णु श्री कृष्ण, वंदे जगत गुरु। श्रीमद् भगवद गीता, अनुवादक हैं ब्रह्मलीन महात्मा सत्यानंद, महात्मा स्वर्गानंद, आदि संपादक अंसादेश, प्रकाशक मानव उत्थान सेवा समिति, 2/12 पंजाबी बाग, नई दिल्ली। और ये मुद्रक हैं राजेश्वरी फोटो सेटर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली। और इसका ये देखिएगा, ये सतपाल जी महाराज हैं, श्री सतपाल जी महाराज, ये इसके, ये देखना, ये इनको मान्य है ये अनुवाद, ये 18 अध्याय। और यहाँ का रखा है इन्होंने, ये 61, 62, 63 तक यहाँ है, 64 से लेकर और 66 तक। सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज, इसका अनुवाद इन्होंने यहाँ किया है कि सर्व धर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ, नंबर 2। अब आपको दिखाते हैं तीसरा, सुधांशु जी महाराज। ये सुधांशु जी महाराज, इन्होंने ये कहाँ से छपी है? प्रकाशक हैं विश्व जागृति प्रकाशन ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी ब्लॉक मानसरोवर गार्डन दिल्ली। मुद्रक हैं इंटर इंडिया पब्लिकेशंस, D17 राजा गार्डन, नई दिल्ली। ऐसे ऐसे ये यहाँ पर। अब इसके हम 18वें श्लोक को दिखाते हैं आपको, ये 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग, 66वां श्लोक। सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, ठीक है। 3, अब चौथा दिखाते हैं आपको। अब देखिएगा एक पूरा, जो कितना बड़ा, इसका अनुवाद देखकर हैरान हो जाओगे। साधक संजीवनी नामक है इसका टीका, श्रीमद् भगवद गीता का टीका श्री राम सुखदास जी ने किया है। श्रीमद् भगवद गीता स्वामी राम सुखदास जी, प्रकाशक हैं वे मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये इनके फोक्स और फोन नंबर है।
इसनत कमाल कर रखे, देखियो ये देखो 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, ये है 66वां श्लोक। सर्वधर्मान परितज माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापे भ्यामुक्षामी मासुच, या क्या अनुवाद किया है इन्होंने देखिए, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल एक मेरी शरण में आ जा, ठीक है। और इस अज्ञान को और अधिक अज्ञान बनाने के लिए कितने कितने कागज बांध रखे इसने, अब देखो 1200 से शुरू होता है ये 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, और आओ दिखाएं आपको ये 1200 से लेकर 1217 तक, ये 1217 पृष्ठ तक, और कति छोटी छोटी लिखाई है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक का एंड बैंड लिखते लिखते 17 पृष्ठ भर दिए न, और कख ने इसके अंदर, और कितनी छोटी लिखाई है जैसे समाचार पत्रा की आकर, और इसे 17 पृष्ठ ठोक रखे। एक दो अक्षर की बात थी वर्धमाने जाना होता है, इन अज्ञानियों ने ज्ञान तो था नहीं और हुआ भाई बकडाली इसके अंदर अज्ञान बना दिया। अब देखो दिखाते हैं आपको सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन, इनके विषय बताया कि ये बड़े महापुरुष, इन जैसा तो कोई भगवत गीता की व्याख्या तथा प्रत्येक श्लोक सरल करके आधुनिक भाषा सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक डॉक्टर राधा कृष्णन ने कुछ इस ढंग से प्रस्तुत किया है श्रीमद् भगवद गीता और हिंद पॉकेट बुक से ये छपी है। ये मुद्रक है, लेजर मुद्रक मुद्रक है डॉक्टर सिक्योरिटी प्रेस प्राइवेट लिमिटेड इतना। अब देखो इन्होंने भी क्या कर रखा है, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज, सर्वकृत्यों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, ठीक है जी। श्रीमद् भागवत गीता 18 श्लोक 66 में व्रज शब्द है, इसका अर्थ जाना प्रस्थान करना है, परंतु सर्व अनुवाद कर्ताओं ने व्रज का अर्थ आना किया है, कृपया इसे स्पष्ट करें। ऐसा है व्रज घतव धातु है, तो व्रज घतव धातु के इसमें आता है गति अर्थक है, ये गति के चार अर्थ होते हैं, गति गमन, गति ज्ञान, गति मोक्ष, गति प्राप्ति। तो यहाँ पर जो गत्यर्थक ब्रज धातु है उसके लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में ब्रज बनता है, तो ब्रज का अर्थ है अवगच, अर्थात मुझको जान। नैनम अविदितो देवो भुनक्ति, ये सिद्धांत है कि जब तक परमात्मा को नहीं जान लेता तब तक परमात्मा उसकी रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए तुम उस परमात्मा को जानो। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में व्रज शब्द है, इसका अर्थ जाना प्रस्थान करना है, परंतु सर्व अनुवादकर्ताओं ने व्रज का अर्थ आना किया है, कृपया स्पष्ट करने का प्रयत्न। प्रश्न जिन्होंने बनाया है उन्होंने अपने स्तर से बताया कि सभी अनुवाद करने वालों ने ज्ञान के अतिरिक्त अर्थ किया है, ऐसी बात नहीं है। व्रज का अर्थ अवगच निश्चिन्न भी होता है जैसा कि प्रश्नकर्ता ने बताया, तो भगवत पाद शंकराचार्य जैसे मनीषियों ने, धर्म सम्राट स्वामी कर्पाति जी महान भाव जैसे मनीषियों ने उसका अर्थ यही किया है कि जैसे जल तरंग अपने को जल रूप समझ ले, घटाकाश अपने आप को महाकाश रूप समझ ले, और जैसे जल चंद्र अपने आप को नवचंद्र समझ ले, उसी प्रकार तुम देहेंद्री प्राणांतकरण के अनुरूप अपनी आत्ममान्यता का परित्याग करके ब्रह्मानुरूप अपने आप को समझो, जानो, निश्चिन्न, अवगच्छ, यह अर्थ भी टीकाकारों ने किया है। भगवत पाद शंकराचार्य और उनके अनुगत महानुभावों ने इसी प्रकार का उपदेश किया है, लेकिन जो श्री वैष्णवाचार्य इत्यादि हैं उन्होंने अपने स्तर से अपने प्रस्थान के अनुसार उस प्रकार का भी अर्थ किया है जिसका चित्रण प्रश्नकर्ता ने किया है। गीता ज्ञान दाता तथा गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है? तो अपने से अन्य होता है
वहाँ जो उपासना में जहाँ देवता की उपासना होती है वो अन्य होता है तो उसके उनके स्थान में जाने की बात ठीक होता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक के 66 में ब्रज शब्द है, ब्रज शब्द है जी, इसका अर्थ जाना अर्थात प्रस्थान करना है, परंतु अनुवादकर्ताओं ने ब्रज का अर्थ आना किया है, कृपया स्पष्ट करें। ब्रज का जाना प्रस्थान करना वो तो मामूली अर्थ है, लेकिन संस्कृत के कुछ पदों को वहाँ के संदर्भानुसार अर्थ करना पड़ता है, इसलिए वहाँ के संदर्भानुसार ब्रज इसका अर्थ जो अनुवादकों ने किया है शरण में आओ वही तो सही है। अरे एक और दिखाऊंगा अपने कति चौड़े में झूठ बोल रहे, ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप, एस्कॉन वालों की है ये, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ गीतोपनिष्ठ यथारूप संपूर्ण अखंड संस्करण द्वारा कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्री 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 मद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ये भक्ति वेदांत बुक डिपो लॉन्स एंसल लंदन स्टॉक होम सिडनी हांगकांग मुंबई, ये यहाँ यहाँ से छपती है। और देखो न के कमाल कर क्या है कति, ये है 18वां अध्याय का 66वां श्लोक, 66वां श्लोक या नीचे आ गया 66वां, यहाँ पर सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज एम त्वा सर्व पापे व्यो मोक्षामी मा शुच, यहाँ अनुवाद किया इन्होंने। देख कमाल इनकी तैयारी है कलाबाजी, इन्होंने पहले मीनिंग लिखे हैं, मीनिंग सर्व धर्मान माने समस्त प्रकार के धर्म, प्रीतज माने त्याग कर, माम माने मेरी, एकम माने एकमात्र, शरणम माने शरण में, और व्रज माने जाओ, और यहाँ अर्थ तो कति सही लिख दिया, व्रज माने जाना ही होता है। और देखो नीचे क्या अनुवाद यहाँ कर दिया, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। अरे वाह अंग्रेजों, ये थे हमारे विद्वान पुरुष, कक्का पता नहीं ने, अरे महर्षि राचार्य और शंकराचार्य कब आ गए हैं, आपको और दिखाते कलयुगी महर्षि के द्वारा इसका कैसे समाधान किया शंका का, इसने देख के तो आपका कलजा पटेगा, इसे विद्वान था महर्षि दयानंद, दिखाता हूँ आपको, ये है एक पुस्तक महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र, इसके लेखक हैं अमर शहीद पंडित लेखराम द्वारा संकलित प्रमाणिक उर्दू भाषा का आर्य भाषा अनुवाद, अनुवादक हैं आर्य महाउपदेशक श्री कविराज रघुनंदन सिंह निर्मल, संपादक हैं पंडित श्री हरिचंद्र विद्यालंकर, प्रकाशक हैं आर्य समाज नया बांस दिल्ली 6 स्वर्ण जयंती के उपलक्ष में। अब इसके 208 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको, ये 208 पृष्ठ है, और कौन सा प्रसंग है ये, जीवन चरित्र महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती मिर्जापुर की घटनाएं हैं, ये यहाँ लिखा है, एक समय इसके पास क्या है, राम गोपाल वैश्य ने जो वेदांती था बहुत सी टीकाएं यानी अनुवाद गीता की देखी, परंतु एक श्लोक के विषय में जो उसका संदेह था वह दूर न हुआ। अंत में वह एक दिन हमको साथ लेकर, लेखक कहता स्वामी जी यानी महर्षि दयानंद जी के पास गया और स्वामी जी से कहा कि आपसे कुछ पूछना है, उन्होंने आज्ञा दी तब यह श्लोक पूछा, सर्व धर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज। स्वामी जी ने कहा इसके बारे में, देखो ये राम गोपाल वैश्य था कोई लाला जी, वेदांती था, बुद्धिमान था, इसका ये बात खटकी कि व्रज माने जाना होता है और सब ने आना कर रखा है, तो महर्षि दयानंद का बोलबाला था तो वहाँ गया, उससे पूछा महाराज इसका अर्थ बताओ, समाधान बताओ कि व्रज माने जाना होता है, ये आना कैसे कर रखा सब ने, तो चले फिर महर्षि दयानंद इसका समाधान करने, देखना। स्वामी जी ने कहा सर्व धर्मान प्रीतज माम एकम शरण व्रज, व्रज का समाधान करने चले स्वामी दयानंद।
स्वामी जी ने कहा सकंद वादिसु परम रूपम वाचम, इस वार्तिक के वकार के आकार के आगे परे जो आकार रहा उसको तद्रूप हो गया, अर्थात वह शब्द धर्म ही रहा परंतु वास्तव में अधर्म है, अर्थ अधर्म होगा, जिससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। देखो अब लेखक उसकी बड़ाई कर रहे हो गए हैं कि उसने समाधान कर दिया, किसने, स्वामी दयानंद ने, वर्ज माने जान की बजाय आण का, क्या कहता है, वार्तिक का वकार का आकार का है, आकार का अधर्म का अधर्म हो गया, धर्म का धर्म अधर्म ही रहा, और कहते हो बड़ा खुश होया उसका समाधान हो गया। इसने खाक समाधान कर दिया। देखियो स्वामी जी ने कहा सकंद वादिसु परम रूप वाचम, जो मतलब की बात थी वह छेड़ी नहीं और सिकली शुरू कर दी। इस प्रकार इस वार्तिक के वकार के आकार के आगे और पाछे और अकार अधर्म और सधर्म अनुका बड़ा खुश हुआ। फिर उसने वो जिससे वह बड़ा प्रसन्न हुआ कौन, यु गोपाल राम गोपाल वैसे उसका समाधान हो गया। अब ठीक है भाई, वो महर्षि को आओ थे श्रद्धालु ने तब मान लिया होगा, ठीक है भाई मारी समझते बार बात से, पर यू वर्तमान ने तो जाना हो है, ये स्पष्ट है, गो माने जाना होता उसका आना कैसे होगा, कार मकार खकार के था, इसके आगे बकवास करेंगे। ये महर्षि दानंद का समाधान, निरंजन धन तेर बार निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबार, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबार, अज्ञानी को परम विवेकी ज्ञानी को मूड गवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार, कह कबीर सुनो भई साधो या सब उल्टा व्यवहार, कह कबीर सुनो भई साधो या सब उल्टा व्यवहार, सचों को तो ये झूठा बतावे इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। परमात्मा कहा करते देखिन झूठा बता सब विश्वास करे बैठे, और मुझ सच्चे न ते झूठा बताओ, झूठा का एतबार निरंजन धन तेरा दरबार। अपने आत्माओं आज का जो प्रसंग एक बहुत महत्वपूर्ण रहा आपके लिए, अपने आत्माओं देखो कष्ट तो हम बालक छोटा सा पढ़ रहे कक्षा में घर पे भी पढ़ रहे ट्यूशन भी लगावे स्कूल में भी करके आवे काम, जब जाकर योग्य होता है तो यहाँ थोड़ा सा आज अधिक समय लेना पड़ा दास ने, क्योंकि ये समय कोई बार बार नहीं होता। एक तो आपके समक्ष ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि तीन मंत्र के जाप से जीव का मोक्ष होगा, और जो पहले जो मंत्र है फर्स्ट एड जो आपकी वो आपको यहाँ तक क्लियर करेगी, और उसके आगे फिर वो त्रिकुटी पर हम इस ब्रह्म के ओम नाम के जाप की कमाई दे देंगे। यूँ कहता है सर्वधर्मान परितज माम, मेरे सतर की जितनी भी धार्मिक तेरी क्रियाएँ हैं ओम नाम से लेकर ये यज्ञ आदि मुझे छोड़ दे, फिर एकम शरण व्रज, क्योंकि हम इस ओम नाम का यज्ञों का फल स्वर्ग महास्वर्ग में खाते रहे, अब हम नहीं बरतेंगे अपनी पूंजी ने, इसका पकड़ा देंगे इसको और छोड़ मारा कर अकाउंट क्लियर। फिर जब नो कहे फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, पापों के आधार से हम गधे कुत्ते बनते रहे और पुनः हम इसकी स्वर्ग में इसके होटल में बर्बाद कर देते, तो परमात्मा के ज्ञान से हम नहीं इसको कुछ नहीं छोड़ इसकी इसका दे देंगे, पकड़ तू पीछा छोड़ मारा। और फिर जो दूसरा मंत्र है तत् मंत्र है, वो सात संग ब्रह्मांड का किराया है इस परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के लोकों से पार करने का, उसका अकाउंट वहाँ करेंगे उसका जा करके उस घर में द्वार में,
वहाँ पकड़ा के इस तरह टिकट ले के इसके क्लियरेंस, और फिर तीसरा नाम जो सार नाम है वो सचखंड सतलोक में पहुँचाएगा अपने आत्माओं। ये आचार्य और ये शंकराचार्य हमारे धर्म गुरु कहते हैं, श्री कृष्ण जी अपने विषय में कह रहे हैं, और कोई परमात्मा नहीं, नहीं और कोई नहीं है। इन्होंने आज 5500 वर्ष हो गए श्रीमद् भगवत गीता और पुराणों को और वेदों को लिपिबद्ध हुए, इन्हें कख नहीं पता इसके बारे में। आचार्य का अर्थ गुरु होता है और गुरु अध्यापक होता है, जो सिलेबस से पूरा परिचित हो, मास्टर हो, और जिसने कख नहीं पता वो काय का टीचर, काय का आचार्य। ये डबो दिया सारा देश हिंदू समाज को, इन्होंने भूत बनवा के फिर उनकी पूजा करवाते हैं, श्राद्ध निकलवा का पोषण करते हैं लोग अपने आत्माओं। ये तो कंसेप्ट क्लियर हुआ कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में और 66 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, सर्वपुरुष है, अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहता है। वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है ये दास बताओगा, वो कबीर साहब है, वो काशी के अंदर धारक रूप में जुलाहे रूप में आया था, जिसको एक कवि कह करके हमने उनका इतिहास बंद कर रखा था। ये परम अक्षर ब्रह्म है, उन्होंने 600 वर्ष पहले वो ज्ञान दिया था जो आज हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। और ये हमारे आचार्य और शंकराचार्य श्री शंकर देव श्री विष्णु जी को अजन्मा अजरो अमर इनके कोई माता पिता नहीं बताते, और पुराणों के अंदर इनके इतिहास में लिखा कि इनके माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, और इनको ये भगवान बताते हैं। शिव पुराण के अंदर लिखा कि तुम ब्रह्मा और विष्णु तुम भगवान नहीं हो, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया। अब पुणात्माओं प्रसंग ये चला था कि हमारे धर्म गुरु शंकराचार्यों आचार्यों और सतयुग से लेकर आज तक इन ब्राह्मणों यानी मैं ऋषियों को ज्ञान नहीं, इनको ये भगवान बताते हैं विष्णु और शंकर जी को और ब्रह्मा जी को, और इनको ये भगवान बताते हैं, ये मालिक बताते हैं, और ये भगवान नहीं है, ये प्रमाण है पुराण में। अभी कंसेप्ट क्लियर करते, ये है पवित्र शिव महापुराण। पुणात्माओं एक समय श्री ब्रह्मा जी और विष्णु जी का आपस में युद्ध हो गया। किस बात पर युद्ध हो गया कि ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु जी को कि मैं तेरा पिता हूँ, तेरा जनक हूँ। विष्णु जी कहते हैं मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरा जनक हूँ। इस प्रकार दोनों का युद्ध हो गया। इनके दोनों के युद्ध को समाप्त कराने के लिए ऊपर से इनके पिता ने, इस ब्रह्म ने, सर्वपुरुष ने इनके बीच में एक सतम खड़ा कर दिया, लिंग बहुत बड़ा पिलर तेजों में। इन्होंने लड़ना तो छोड़ दिया, उसका और छोर खोजने लगे। फिर यहां पर यह प्रकट हो गया शिव जी का रूप धारण करके, ये ऐसे छल करता है, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक काल रूप में कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होऊंगा। इसका काल रूप कौन सा है, गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में यह कहता है कि अर्जुन देख, ये है मेरा काल रूप, विराट रूप, और इसकी प्राप्ति ना वेदों वर्णित विधि से, ना जप से, ना तप से, ना यज्ञ से, किसी प्रकार से नहीं हो सकती। ये तो मैं अपना अनुग्रह करके तेरे ऊपर कृपा की है, तेरे से पहले इसको किसी ने नहीं देखा था और ना आगे कोई देख सकता। गीताजी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में यह कहता है कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्तम व्यक्तिम आपना मनन्ते, मुझ अव्यक्त को मैं अपने योग माया से छुपा रहता हूँ, ये मूर्ख जन समुदाय मुझे व्यक्ति रूप में आया हुआ कृष्ण मान रहे होंगे, आई एम नॉट कृष्ण। तो वो छुपा रहता है, छल क्या करता है, कभी विष्णु रूप का धारण करके किसी को दर्शन दे देता है, ऋषि को, साधक को, तो वो विष्णु जी की महिमा गाता है कि आप ही सर्वशक्तिमान हो, मैंने समाधि काल में आपके दर्शन हुए, आप छुपाए हो अपने आप को। ऐसे ही कोई साधक साधना कर रहा है ब्रह्म की, तो उसको ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है, वो कहता है ब्रह्मा जी, ये ब्रह्मा जी सर्वशक्तिमान है, ये छुपाए बैठे अपने आप को, और किसी को शंकर भगवान के रूप में दर्शन दे देते हैं, तो वो कहते हैं शंकर भगवान ही सर्वेश्वर है। तो इस प्रकार ये भ्रम फैला रखा था इस काल भगवान ने, और इसी के आधार से श्री ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी को भ्रम हो गया कि मैं पालन करने वाला,
ब्रह्मा जी कह मैं उत्पत्ति करने वाला, विष्णु जी को ये था कि तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सारी सृष्टि का उत्पन्न करने वाला हूँ, मैं प्रजापिता हूँ, इन दोनों का युद्ध हो गया। तो तब ये आके खड़ा हो गया उनके पास और उनसे क्या कहता है कि तुमने अज्ञानता से अपने आप को ईश मान लिया, भगवान मान लिया, यू आर नॉट गॉड। ये दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा श्री शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग एक। ये श्री शिव महापुराण, इसके कौन है लेखक? विद्यावृद्धि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई। ये शिव महापुराण है। इसके हम विद्वेश्वर संहिता पर पहुंचते हैं। ये विद्वेश्वर संहिता 17 पृष्ठ नहीं, पहले हम आते 11 पृष्ठ पे। ये देखिएगा, ये 11 पृष्ठ विद्वेश्वर संहिता शिव पुराण अध्याय 6 में, यहाँ पर नंदी केश्वर यानी वो नंदी बैल बता रहा है भगवान शंकर का। नंदी केश्वर बोले कि हे योगेंद्र, एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों के से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए, सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो, मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? वत्स बेटा, उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। आए हुए स्वामी का गुरु को देख कर दुर्मान करता है, वह उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना निश्चित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर्मत क्रोध हुआ, पर ऊपर से दिखाया नहीं, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, बेटा वत्स ब्रह्मा, विष्णु जी बोले ब्रह्मा जी को, वत्स बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो, इस समय तुम्हारे नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों हो गया हो रहा है? ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है, हे पुत्र मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूँ। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में सतीत है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे तुम मेरे पुत्र हो। इनका लठ बाज गया, गणी ना पढ़ावे आग आते, इनका आपस में लठम लठा हो गए, देवता फूल बरसाने लग गए, अक्षाबास मरो कटके। ये हमारे देवताओं के लक्षण देखिए। ये हम अब 11वां पृष्ठ पढ़ रहे हैं अभी, यहाँ नीचे आ गए हैं। यहाँ देखो विद्वेश्वर संहिता का, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महाअद्भुत युद्ध को देखने चले आए और आकाश में उनका ऊपर फूल बरसाने लगे। अरे देवताओं, ये हमारे देवता, दो भाइयों का झगड़ा हो जा तो सभ्य व्यक्ति उनका बीच बचावा करा कर, कहीं लड़के ना मर जा, अरे ये देवता फूल बरसावा कि मरो लड़के हैं, हो जाओ खत्म है तेरा गजब। इन इतिहासों को पढ़ते थे हम। अब ये काल आ गया, इनके बीच में सतम डाल दिया इनके पिता ने, पिल्लर तेजों में बहुत इसके और छोर को खोजने लग गए, इन कुछ नहीं पाया, ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया, ये कथा आप सुनते रहते हो। इनके बीच में आ गया और फिर इनसे क्या, इनको क्या हिदायत देता है कि तुम भगवान नहीं हो, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया। ये देखिएगा शिवपुराण 17 पृष्ठ पर हम आ गए, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 का अध्याय 9। अब यहाँ निंदी केश्वर फिर बोले कि इस प्रकार जब वो दोनों नर्म हो गए, भगवान ने नर्म हुए ब्रह्मा विष्णु पर अनुग्रह करके, क्या बताया? उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा कि मेरे सकल और निष्कल भेद से दो रूप है, परंतु और ईश्वर नहीं। इस कारण से दोनों उनके दो रूप नहीं हो सकते, पहला सतम रूप और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया, इसमें ब्रह्म निष्कल और इस रूप गुण सगुण, मेरे दोनों रूप सिद्ध और दूसरे के किसी के नहीं। अब इनसे क्या कहा? इस कारण से तुम दोनों को अथवा दूसरों को इस तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने ब्रह्मा और विष्णु ने अज्ञानता से अपने को ईश माना, भगवान मान लिया, यह बड़ा ही
अद्भुत हुआ, ये बड़ा गलत हो गया, उसको दूर करने को ही मैं रणस्थान में आया, अब तुम अपना विमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ, मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश होते हैं। अब ये क्या कहता है कि मैं जगत का वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूं। आप आगे दिखाता हूं आपको, प्रश्न नंबर 18 पर देखिएगा, पहले ये देखेंगे अध्याय नंबर 10 का, और यहां हम आ जाते हैं। हे पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है, इनका पिता ये ब्रह्म काल रूपी ब्रह्म सर्वपुरुष, हे पुत्रो, ये कृत आपने तप से प्राप्त किया है, जिसको सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय पालन कहता है। विष्णु और ब्रह्मा जी को इनका पिता ये काल कह रहा है कि कृत आपने तप से प्राप्त किए हैं, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, जो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए, परंतु अनुग्रह कृत कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। अब इसमें दास तो कहना चाहता था कि दो तो ये ब्रह्मा विष्णु हो गए और रुद्र और शिव ये दो नारे हो गए, ये चार हो गए, और पांचवा ये बोल रहा है, ये पांचवा जो बोल रहा है ये इनका पिता है, ये सर्वपुरुष है, और वहां ये शिव रूप में खड़ा हो गया इनके पास आकर। ये ऐसे ही धोखे से काम करता है, अपनी वास्तविकता से परिचित नहीं होने देता। ब्रह्मा और विष्णु ने शंकर भगवान मान लिया। अब आगे देखना ये क्या कहता है, ये काल जो इन चारों को संबोधित कर रहा है, वो कहता है कि मेरा ओंकार मंत्र है। अब हम 19 पृष्ठ पर आ गए, 18 पढ़ लिया, विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10 ही चल रहा है, यहां देखना। इस कारण उस ज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो, अभिमान को दूर करने वाला है, सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है, महामंगल करने वाला है, यह वाचक है, मैं वाच्य हूँ, यह मंत्र मेरा आत्मा है, उसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। उत्तर की मुख से आकार, पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार, पूर्व के मुख से बिंदु, मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार पांच प्रकार से यह निर्गत हुआ, वह सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। अब कहने का भाव यह है कि ये ओम एक अक्षर इस ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता का है, ये हो गया स्पष्ट। अब हम आते हैं पुनः देवी पुराण पर। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र और ये महेश ये भगवान नहीं है, इनका पिता खुद कह रहा है कि यू आर नॉट गॉड, अरे हमारे आचार्य शंकराचार्य हिंदू धर्म के धर्मगुरु यही नहीं को भगवान बता के हमें मूर्ख बना रहे, आज तक इनका कख नहीं पता था, इनको वेदों गीता और पुराणों का बताओ, पुणात्माओं इनने हमारे भोलेपन का नाजायज फायदा उठाया, नकली गुरुओं ने बठा बठा दिया, पूरा मानव समाज भूत बनवा दिया, फिर उनकी पूजा करवाते हैं, श्राद्ध निकालो, हैं पिंड भरवाओ। अब जो साधना दास बताएगा उसमें ना तो कोई भूत बने, फिर कोई क्रिया की जरूरत नहीं उनकी। प्रसंग ये चला था कि सतयुग से लेकर आज तक इन ब्राह्मणों यानी मैं ऋषियों को ज्ञान नहीं, इनको ये भगवान बताते हैं विष्णु और शंकर जी को और ब्रह्मा जी को, और वो भगवान नहीं है, सिद्ध हो गया कि ये भगवान नहीं है, अरे इनको ये भगवान बताते रहे, ईश बताते रहे। अब सतयुग के ब्राह्मणों ने ज्ञान नहीं, बताओ सतयुग से लेकर आज तक ब्राह्मणों ने ज्ञान नहीं वेदों का। यह देखिएगा श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके हम 414 पृष्ठ पर आते हैं, ये 414 पृष्ठ है श्री संक्षिप्त देवी भागवत और छठा स्कंद। अब यहां से पढ़ेंगे, जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन ये निश्चय कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे, उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी,
भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति यानी दुर्गा का मंदिर का उद्घाटन हो, ये इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। बता, ये सतयुग के ब्राह्मण खाक विद्वान थे। कहते हैं व्यास जी का ज्ञान देख लो कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की भक्ति करते थे। अरे तेरा फूटे बाघ हमारे इसे आचार्य हमारे। अब दुर्गा तो कहती है कि वेद उस ब्रह्म की पूजा करो, ओम नाम है, नथिंग एल्स, और सब बातें त्याग दो। तो क्या ये सतयुग से लेकर आज तक के ब्राह्मण लोग वेदों और गीता और पुराणों से परिचित थे? इन्हें अपना भी भक्ति नाश किया, अपना जीवन नष्ट किया और साथ में यजमानों को भी ले डूबे ये। अब ये तो सतयुग के ब्राह्मणों के विषय में, अब कलियुग के ब्राह्मणों की जानकारी जो वर्तमान के शंकराचार्य और आचार्य तकरीबन ये ब्राह्मण ही है ब्राह्मण वर्ण के। अब यहाँ देखो वही छठा अध्याय चल रहा है, पृष्ठ 414 पर हम यहाँ पढ़ रहे थे, अभी ये हमने पढ़ लिया, अब यहाँ आ गया। व्यास जी कह रहे हैं कि धर्म की यही स्थिति त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया। सतयुग की जो स्थिति थी वो द्वापर में विशेष रूप से कम होगी। राजन, उन प्राचीन युगों में सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। ओए होए, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। पुण्य आत्माओं, अब ये इतिहास है हमारे हिंदू धर्म के धर्मगुरुओं का, इनके द्वारा दिए गए स्पिरिचुअल नॉलेज का। इन आचार्यों और शंकराचार्यों ने हमारे धर्मगुरुओं को कख नहीं पता था हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं और ये के लोक वेद सुनाया करते थे। ये क्या कहते हैं कि जीव ही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही परमात्मा है। और फिर दूसरी तरफ कहते हैं श्री कृष्ण की, श्री विष्णु जी की और श्री शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। बताओ, और उधर देवी की पूजा करते हैं और इनको भगवान बताते हैं। इनके विषय में लिखा है, स्पष्ट है कि ये भगवान है ही नहीं जिनको ये भगवान बनाकर हमें पूजवाया करते थे। तो पुण्यात्माओं, ये सौभाग्य आपका कि परमात्मा ने आपको शिक्षित किया, इस दास को अध्यात्म ज्ञान युक्त किया। अब देखना पूरे विश्व में ये ज्ञान जाएगा और सब मानव का कल्याण हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। निरंजन धन तेर बार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। परमात्मा कहा करते देखिन झूठा बता सब विश्वास करे बैठे, और मुझ सच्चे न ते झूठा बताओ, इन झूठा का एतबार निरंजन धन तेरा दरबार। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? नाम राहुल दास है जी। सर कहाँ से आए हैं आप? मेरा गाँव पावड़ा, डिस्ट्रिक्ट हिसार, हरियाणा से जी। सर क्या काम करते हैं आप? मैं TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे हूँ जी अभी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते हैं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले जी, हम मैं और मेरे फादर मतलब सारे घर वाले ये मानते थे कि भगवान है और उसको उसका नाम लेते थे, बाकी
कभी मतलब हनुमान जी की पूजा या शिव जी की पूजा कर लेते थे, एज सच किसी के पास नहीं जाते थे। गुरुओं को तो हम मानते ही नहीं थे, किसी भी संत को गुरु को, हमें लगता था ये सारे ही मतलब अपना बिजनेस है, इनका एक धंधा, वो बिजनेस कर रहे हैं, दैट्स इट। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? ये बहुत बहुत ही बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी। मेरे चाचा जी जो हैं वो भी गवर्नमेंट हाई स्कूल पावड़ा के अंदर ही हिंदी टीचर है, और मेरे फादर भी वहीं पे एसएस मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल में। तो मेरे चाचा जी ने नाम ले रखा था संत रामपाल जी महाराज जी से। वो मतलब शास्त्रों वगैरह काफ़ी अध्ययन किया करते थे, तो उन्होंने उस कारण से नाम ले लिया था सारी पढ़ करके कि संत रामपाल जी जो भी कह रहे हैं वो शास्त्र अनुसार कह रहे हैं और वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। वो कहा करते थे हमें कि आप नाम ले लो, बट हम नहीं मानते थे। हमें मतलब सच्चाई, हमें ये लगता था कि कोई कमीशन के लिए कोई नए आए हैं, इन्हें अपना बिजनेस सेटअप करना तो इसलिए कर रहे हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि मेरे फादर को सर्वाइकल और पैरालिसिस दोनों हो गई, और उन्हें अग्रोहा मेडिकल कॉलेज और जिंदल हॉस्पिटल दोनों ने रिजेक्ट कर दिया। ये बोल दिया कि इसको आप कहीं भी ले जाओ, ये ठीक नहीं होगा, इनकी एंड स्टेज है। तो उस स्टेज में मेरे फादर से मतलब खड़ा भी नहीं हुआ, मतलब हो सकते थे, वो तो 42-43 डेज ऐसे हो गए थे। तो एक दिन मैं उस टाइम अपनी बीटेक कर रहा था, सेकंड सेम में था, तो पापा जी की तबीयत मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई, ये हुआ कि अब गए। तो मेरे चाचा जी गांव से बाहर रहते हैं, तो हम गांव के अंदर ही रहते थे तब। तो मम्मी ने फ़ोन किया चाचा को कि चलो कहीं ले चलते हैं एटलीस्ट, मतलब उनको बहुत ज़्यादा मतलब क्रिटिकल कंडीशन थी, बहुत सीवियर पेन हो रहा था। तो बुलाया चाचा जी को, चाचा जी बोले चलो ठीक है इसको ले चलते हैं, लेकिन इसको उन्हीं डॉक्टर्स के पास लेके जाएंगे जिन्होंने इसको एक बार रिजेक्ट करके भेज दिया है, तो उनके पास कुछ है नहीं, तुम मेरे कहने से इनको संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश दिलवा दो, और वो भगवान है, वो चाहे सो कर सकते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो पापा जी बोले कि अब इस स्टेज में अगर ठीक कर देगा दिस मीन्स ही इज़ गुड, तो ये बिल्कुल 100% ट्रू थिंग है, आप मानो या ना मानो। सुबह के 2:30 बजे का टाइम था, ये मार्च 2006 की बात है, संत रामपाल जी महाराज उस टाइम करौथा में थे। तो चाचा जी ने फ़ोन किया कि जी ऐसे ऐसे बड़ा भाई है और मतलब बहुत ज़्यादा उसका मतलब लास्ट स्टेज चल रही है। तो गुरुजियों की यही वर्डिंग थी कि बेटा ये इसी तरीके से आना था, ये अदरवाइज आने वाला नहीं था, और अब इसको फ़ोन दे जल्दी। फ़ोन लिया, इतनी बुरी मतलब इतनी ज़्यादा पीड़ा हो रही थी, पापा को रो रहे थे, और फ़ोन लेते गुरुजी ने ये कहा खुश रहो बेटा, और सबके बीच में संत रामपाल जी जिसको जिसके ऊपर इतने एलिगेशन लगाए, इतने जेल में डाला गया इस निकम में सीएम ने, आर्य समाजियों ने, और जिसको साधारण जय कह करके रिजेक्ट कर दिया गया, जो 37 साल तक साधारण जय थी उनके अंदर ऐसी क्या पावर आ गई, वो संत रामपाल जी करौथा बैठे हुए हमारे घर पे थे और मेरे पापा को आशीर्वाद दे करके ठीक कर दिया। बिल्कुल 110% सही बात है, जैसे ही आदमी ड्रामा कर रहा था, इसके कोई सर्वाइकल नहीं, कोई पैरालिसिस नहीं, और कहा बेटा खुश रह, तेरी आयु भगवान ने बढ़ा दी है, तेरे को इसी तरीके से शरण में लेना था। तो सारे मतलब अचंभित हो गए। तो चाचा जी ने बोला कि क्या दिखा आपको, तो बोले भाई साधारण कपड़े के अंदर, बिल्कुल साधारण कुर्ते पजामे के अंदर, और साफा गले में डाले हुए एक भोली सी शक्ल का आदमी था, और वो मुझे दिखाई दिया है और वो आशीर्वाद कर रहा था। तो चाचा जी बोले पहचान लोगे आप? कहता हाँ मैं पहचान लूँगा, उससे पहले हमने कभी संत रामपाल जी को कभी नहीं देखा था, हम बिलीव ही नहीं करते थे इन संत के अंदर। तो चाचा जी फोटो लेके आए, तो एक फोटो जिसके अंदर गुरुजी ऐसे किए बैठे हैं बिल्कुल भोली सी शक्ल में, उसको देखते पापा बोले यही थे वो संत। फिर उसके 2 दिन बाद पापा फिर करौथा आश्रम में आए और फिर नाम लिया। उसके बाद मैं बीटेक में था, मैं फिर घर पे आया, तो ये तड़प हमें पहले ही थी कि भगवान नाम की कोई पावर है, वो है वास्तव में, बाकी और जितने भगवान, हमें लगता था ये सारे हैं, कुछ ना कुछ उसी के रूप होंगे, बट हमने ऐसी डेडिकेटेड किसी की भक्ति नहीं करते थे हम। उसके बाद मैंने भी नाम उपदेश लिया। ड्यूरिंग माय 3rd ईयर कैंपस प्लेसमेंट के लिए फर्स्ट टाइम हमारे कॉलेज में आ रही थी TCS कंपनी, और हमारे गुरुदेव तब जेल में थे, हम इतने नीच आदमी, उस टाइम भी हमने अरदास लगाई कि भगवान हमारा भला करो, और वो जेल में होते हुए भी उन्होंने कहा था बेटा सीधा जाते ही होगा, तू परमात्मा का नाम लेते जाना। मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड था, नोएडा इंटरव्यू के लिए मुझे जाना था, तो वो नहीं मानता था किसी को भी, बट इस चीज़ का वो भी गवाह है कि हम बाइक पे जा रहे थे, तो हमारे गुरुजियों का जो शब्द है, हमारे पास कोई मतलब मोबाइल जो था मल्टीमीडिया नहीं था, उसके अंदर कोई गुरुजियों की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, उसके बावजूद गुरुजियों की वाणी चल रही थी, तारंगे तैतिक सतगुरु तारंगे, तारंगे तैतिक सतगुरु तारंगे, गुरुजियों का वो शब्द कंटिन्यू नोएडा तक, फरीदाबाद से नोएडा तक बसता रहा।
हमारे तीन इंटरव्यू थे, तीन राउंड थे इंटरव्यूज के अंदर, मेरा सिर्फ फर्स्ट राउंड हुआ और जाते ही जो लेडी बैठी थी इंटरव्यू पैनल के अंदर उसने यही बोला, बेटा आपको ज्वाइनिंग जो है वो त्रिवेंद्रम की मिलेगी, आप कर लोगे ना। वहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, कुछ नहीं पूछा गया मेरे से, और मेरा फिर सिलेक्शन हो गया। उसके बाद हमारे गुरुदेव जो हैं जेल से आए 2008 के अंदर, फिर पापा को स्टोन हो गया, तो पापा बोले गुरुजी शरीर छूटेगा, तो गुरुजी बोले मैं ऐसे ही बैठा हूँ क्या, तेरा शरीर छूटेगा कोई बात है, तेरे कैसे छूटने दूंगा मैं शरीर, तो गुरु पापा बोले गुरुजी पथरी होगी, बोला बेटा डॉक्टर को दिखा ले, बोला भगवान आपसे बड़ा डॉक्टर कौन है, तो हाथ लगाया था बिल्कुल 100% सही है, मेरे पापा के पेट के हाथ लगाया, कहता जा बेटा आराम से रह, कुछ भी स्टोन उसका, फिर हमने एक्सरे वैक्सरे अल्ट्रासाउंड सब कुछ करवाया, कुछ नहीं था। उसके बाद मेरी मम्मी को मतलब वेंस जो उनकी ब्लॉक हो गई थी, पिछले 15 सालों से बहुत दुखी थी, वो गुरुजियों के सामने अरदास की कि भगवान हम दुखी हैं, मेरा कहीं इलाज नहीं हो रहा है, डॉक्टर के पास चले गए किसी के पास, तो गुरुजी बोले बेटा भक्ति कर, भगवान चाहे सो कर सकता है, और उन्होंने वो किया, वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद और आज अगर फाइनेंशियल कंडीशन की बात की जाए, हमारे घर कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है, मैं खुद टीसीएस में हूँ, मेरी मिसेज जो है वो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, और हमारी एक गुड़िया है, अभी 10 दिन पहले की बात है, कूलर घर पे चल रहा था तो उसकी जो जाली थी वो टूट गई थी, वो लगवाई नहीं थी, वो खेलते खेलते उसने हाथ दे दिया उस कूलर के अंदर, पापा अंदर बैठे हुए सारे घर वाले, तो एकदम बड़ी तेज आवाज़ हुई और वो रोने लगी, तो भाग के गए कि हाथ दे दिया, देखा तो उसके हाथ के खरोंच भी नहीं लगी हुई थी, तो बंदी छोड़ने का ये मेरी बेटी है और तू मेरे बच्चे, बेटा भक्ति करो, तो इस परमात्मा के कहाँ तक गुण गए, और ऐसे परम पिता को, ऐसे परम संत को और उठा करके जेल में डाल दिया नीचो ने, ए भगवान हमारे लिए आप दुखी हो रहे हो, मालिक आपका कहाँ तक शुक्र गुजार करे हम, ए बंदी छोड़, ए गुरुदेव। सर भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम लेने के बाद इनकी द्वारा बताई गई हर चीज को बड़ी बारीकी से देखा, हर ग्रंथ को मैं उठा करके लाया, उसको अंदर देखा, फिर मैंने हर चीज़ को मिलाया, और मैं यही कहना चाहूँगा जो इन नकलियों के फंसे हुए, जो इनको गुरु मानकर के आप औरों के बैठे हुए, गुरु है ही नहीं, ये आपके सबसे पक्के दुश्मन है, जो आपको आने नहीं देना चाहते इस भगवान के चरणों में, अरे भगवान कह रहा है चीख चीख करके आई एम गॉड, और आप कह रहे हो कि ये नहीं है तो ये आपकी ना समझिए, अरे मैं कह रहा हूँ माय नेम इज राहुल और आप कह रहे हो कि नहीं है तो ये आपकी ना समझिए, मेरी नहीं, वो भगवान चीख चीख करके कह रहा है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और आपके लिए हमारे लिए वो गालियां खा रहा है, पता नहीं क्या क्या उनको सुनना पड़ रहा है, जेल में डाल दिया गया और फिर भी कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए पलके बिछाए बैठा हूँ, मेरे बेटो आ जाओ आ जाओ, ये माँ बाप के काम हो सकते हैं, भगवान ही इतना आपको प्यार कर सकता, कोई नहीं कर सकता, जिनको आप गुरु मान करके बैठे हो ये अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए करे, और आप मेरी बात न मानो, आप उनके देख तो लो, अरे आप फिजिक्स का टीचर हो, फिजिक्स का उसको पी तक नहीं पता तो काहे का टीचर है, सेम थिंग इज ट्रू फॉर यूर गुरुज ऑल्सो, अरे ये भगवान के बारे में कह रहे हैं, इनको ये तक नहीं पता वो कौन है कहाँ है क्या रहता है, इनको एक अक्षर नहीं पता, आपको नहीं विश्वास होता आप देख लो पछताओगे, संत रामपाल जी इज गॉड टू गॉड, वास्तव में जिसको भगवान कहा जाए वो संत रामपाल जी, और जो नास्तिक जो नहीं मानते कहते भगवान है या नहीं वो भी आकर के देख लो, सामने बैठा हो सारे जगत का रचनहार इस बरवाला की पावन भूमि के ऊपर टहल रहा है, आज देख लो चले जाएंगे फिर नहीं आएंगे, हे बंदी छोड़। मेरी सभी से प्रार्थना है जितने भी वर्ल्ड के अंदर जितने भी आसमानव जाति में आकर के और भगवान के चरणों में आ जाए, इनको संत न लगाएं, ये संत है ही नहीं, ये परमात्मा है, परमात्मा आए हुए अपने जीवन का कल्याण करवा लो, नकलियों के मत फंसो ना ही किसी और चक्कर में, भगवान आए हुए जा करके अपने पिता ही है हमारे, ये वही भगवान है जिसके बारे में कहा जाता तव मे माता च पिता तव मे, ये है वो जो लाड़ करे हमारे दुखों को दूर करे, आकर के पैर पकड़ लो अपने पिताजी के, ये भगवान आए हुए हैं सतलोक आश्रम भरवाला डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा के अंदर, सच्चाई। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप
सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।